आईटीआई नगर के मिशन एग्जाम के और एग्जाम सॉल्यूशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ये जो हमारा एग्जाम सॉल्यूशन चला हुआ है, ये हमारा जो सबसे पहली परीक्षा हुई है 15 मार्च 2021 में, और उसके हमने देखिए आपको पिछली वीडियो में कराया है 40 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं ट्रेड थ्योरी के, और 20 क्वेश्चन आए थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, और 20 क्वेश्चन आए थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। टोटल थे हमारे 80 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको करा दिया है 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के जो इलेक्ट्रीशियन के थे, और जो हमारा 20 क्वेश्चन WSC के यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के बच जाते हैं, ये 20 क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी थे, सबका चाहे वो कोई सी भी ट्रेड हो सबका सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ये जो पेपर पेपर था इसका 20 क्वेश्चन आए थे इसमें, ये सबके लिए बराबर आया था, सबकी जो भी ट्रेड थी सबके लिए बराबर था। तो आप जौन सी भी ट्रेड से संबंध रखते हैं आपके लिए ये खास लेक्चर होने वाला है, और खास इसलिए होने वाला है क्योंकि जो हमारी 15 मार्च 2021 में परीक्षा हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एक प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही तो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो ठीक है, अगर आपको ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन के देखने हैं 40 क्वेश्चन तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और हम आपको पहले ही बता देते हैं केवल हमारा ये वीडियो बनाने का केवल ये उद्देश्य है कि आप जैसी एग्जाम देकर आए हैं जो बच्चे 15 मार्च को वो केवल अपना आकलन कर सके, अपना रिजल्ट देख सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, हमारा केवल यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आया था इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है, मूलभूत इकाइयां बतानी है। इकाइयां हमारी दो प्रकार की होती है, मूलभूत और व्युत्पन्न इकाइयां, और लेंथ मास टाइम जो ऑप्शन बी में दिया है लेंथ मास टाइम, ये तीनों हमारी कौन सी है, मूलभूत इकाई है। ए में वॉल्यूम हमारी व्युत्पन्न है, सी में एरिया हमारी व्युत्पन्न है, लेंथ मास हमारी मूलभूत है, और डी में प्रेशर और वॉल्यूम हमारी व्युत्पन्न है। लेकिन हमें बताना है मूलभूत इकाई है जो ऑप्शन बी में लेंथ मास टाइम है, ये तीनों हमारी कौन सी है, मूलभूत इकाई। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या होता है, यानी एमकेएस सिस्टम में पूछा है जो एम है वो क्या होता है, ये होता है हमारा मीटर, के होता है किलोग्राम, और एस होता है हमारा सेकंड। तो एम पूछा है, एम होता है हमारा मीटर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 0.003 देखिए गुणनफल करवाना है, 0.003 × 0.5 ये है ना, हाँ। तो इसका गुणनफल करिए सिंपल क्या आएगा, 0.0015 मल्टीप्लाई करनी है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आठवीं और नौवीं लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ध्यान तो आपको ट्रेड थ्योरी पर देना है, ठीक है। तो ना इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 0.456 को किसमें बदलना है, प्रतिशत में। जब हम किसी चीज को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें हम कर देते हैं 100 की मल्टीप्लाई। अब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 45.6%, ठीक है ना। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बताओ हार्ड क्वेश्चन थोड़ा है ये तो कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में पूछा है, देखिए जो ये 35 आ रहा है ना, ये जो ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो एग्जाम हुआ था उसका सीरियल नंबर नहीं है। हमने आपको पहले बता रहे हैं जब से एग्जाम है मिशन हमने चलाया है उसमें हम पहले से बता रहे हैं जो भी आपके ITI के जो एग्जाम चले हुए इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केवल नीमी क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे, और उन्हीं का हम सोल्यूशन करा रहे हैं क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमने उठाया है नेमी क्वेश्चन बैंक से ही क्योंकि उसमें से ही आए हैं। तो ये जो सीरियल नंबर है उस क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो 35वां क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। कभी आप सोचो कि 35वां इसका सीरियल नंबर था। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि वहाँ पे हमारा प्रत्येक बच्चे पर आता तो है सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, लेकिन पहले बंदे के पास में अलग क्वेश्चन होगा, दूसरे के पास में अलग, तीसरे के पास में अलग, एक ही सीरियल पर, ठीक है ना, सेम नहीं आते वहाँ पे। लेकिन अगर टोटल क्वेश्चन देखे जाएगा तो सेम आए। तो यहाँ पे पूछा है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, प्रमुख रूप में बताना है। तो चारों चारों मिश्र धातु लेकिन प्रमुख रूप में लोहा किस में होता है, वो होता है लोह धातु में। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के रूप में के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है, वो होती है कठोरता यानी हार्डनेस। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है
किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? ये सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट इस पे लगा के आया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुआ है यही वाला। और क्या लगाया इसमें? लगाया है सिलिकॉन स्टील। उपयोगी उपकरण को बनाने के लिए पूछा है कौन सी पदार्थ का, कौन सी मिश्र धातु का यूज करते हैं? हम करते हैं इसमें इनवार, किसका? इनवार इस्पात का। जो ऑप्शन सी में दिया है इनवार इस्पात, राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। लेकिन लगा कर क्या है? सिलिकॉन इस्पात। सी लगाना है आपको, इनवार इस्पात। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान अपॉन आयतन किसके समतुल्य होते हैं? ये होता है हमारा घनत्व यानी डेंसिटी। ऑप्शन सी में देखिए, डेंसिटी राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए दो होती है हमारी, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है, वो क्या होती है हमारी? सदिश। और जिसमें केवल परिमाण होता है वो होती है हमारी केवल अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। इसमें परिमाण है, साइज का हमें कोई लेना देना नहीं है, दिशा देनी है, दिशा इसमें यानी केवल परिमाण है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, ये हमारी कौन सी राशि है? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है एक, जो ऑप्शन डी में दिया, राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या है? धारा यानी करंट की इकाई क्या होती है? वो होती है एम्पियर। ऑप्शन ए इसका सही है, बी में वोल्ट दिया है। वोल्ट आपको पता है वोल्टेज की होती है, ओम रेजिस्टेंस की होती है, वाट पावर की होती है, लेकिन यहाँ पे धारा की पूछा, वो है एम्पियर, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तो चारों चारों कंडक्टर, लेकिन आपको बताना है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, वो है कॉपर, राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बताइए कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये कोई हार्ड लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है इनको। और एक और बात बता दूं आपको कि आपको जितने भी आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं ना इसमें और सही लग रहे हैं, मतलब जितने क्वेश्चन आपको आपने वहाँ पर सही करके आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उससे हमें एवरेज मिल जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका कितना एवरेज बन रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन पेपर उनका हुआ है, आपकी पढ़ाई का अनुमान हमें लग जाता है। तो इसलिए कमेंट जरूर करें, उसमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट्स है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? देखिए वोल्टेज दी है इसने, वोल्टेज दी है 220 वोल्ट और पावर दी है इसने कितनी? 500 वाट, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, आर निकालूंगा तो क्या बनेगा? वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वैल्यू रख दो इसमें, 220 इंटू 220 अपॉन पी कितना है हमारा? 500। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 96.8। सॉल्व करके देख लेना, 96.8 ओम ही आएगा, ठीक है ना। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा पूछी है तो 625 का वर्ग मूल है क्या होगा? ये होगा हमारा 25, ठीक है ना। तो भुजा क्या है निकल कर आई हमारी? 25 mm। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस विषम भुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40, 20, 28 mm है? देखिए जो विषम भुज त्रिकोण होता है उसका जो परिमाप होता है वो होता है केवल हमारा ए प्लस बी प्लस सी। अब ए दिया है 40, फिर 20, फिर कितना दिया है? 28। तो जब इसका योग करोगे क्या मिलेगा? 88। परिमाप क्या आएगी? 88 mm। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होता है? वो होता है हमारा वेलोसिटी रेशो, ऑप्शन बी वेलोसिटी रेशो राइट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीवर के फ्लक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है? लीवर के फ्लक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का नाम पूछा है, वो होता है हमारा फलकर्म, जो ऑप्शन डी में बी में दिया है फलकर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए पूछा है कौन सा उदाहरण है? ये होता है हमारा ऑप्शन बी सीजर्स का एक पेयर, यानी ए पेयर ऑफ सीजर्स, राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर,
और पूछा है थीटा का मान क्या है। अगर साइन थीटा अंडर रूट 3/2 है तो थीटा का मान क्या है, हमें सबको पता है साइन 60 डिग्री का क्या होता है, अंडर रूट 3/2, यानी थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन जीरो का मान एक जीरो होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और 45 का होता है 1/√2, 60 का अंडर रूट 3/2, और 90 का होता है 1। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी 60 डिग्री, साइन थीटा पूछा था थीटा का वैल्यू। तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये जो क्वेश्चन है पसंद आए होंगे, क्योंकि आपके आप इन्हें खुद कर कराए अपने एग्जाम में, और इनको मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका आगे परीक्षा होनी है नेक्स्ट फेज में, उनके लिए एक प्रेरणा है, उनको एक ये पहले से बता दिया है कि इस टाइप से क्वेश्चन आती है। हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कह रहे हम कि यही क्वेश्चन आएंगे, हम कह रहे हैं कि इस आधार पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ये मत सोचो यही क्वेश्चन आएगी, आपको इस आधार पर तैयारी करनी है केवल, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों का अच्छा पेपर बनाने के लिए, उनकी तुलना करवाने के लिए, उनको उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए उन तक वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही एग्जाम मिशन पाने के लिए, एग्जाम सॉल्यूशन पाने के लिए, और अच्छे अच्छे लेक्चर पाने के लिए आईटीआई नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो एग्जाम सॉल्यूशन का है उसमें लेकर आ रहे हैं हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन। पहले में हमने 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी कराए हैं, और इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20, और अगले में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो इंतजार के लिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।